खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर हेल्पलाइन पर शिकायत आई है। सीएम हेल्पलाइन पर सूत में प्रबंधन की शिकायत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आर्थिक अनियमितता को लेकर यह शिकायत कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने की है। तो सीएम हेल्पलाइन पर कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने सूत में प्रबंधन की शिकायत की है। कहा जा रहा है कि यहां पर आर्थिक अनियमितता की शिकायत पिछले काफी समय से है, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू लोकायुक्त से जांच कराने की मांग भी इस शिकायत में उन्होंने की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सूत में के डायरेक्टर है और अनियमितता को लेकर शिकायत की है, आर्थिक अनियमितता। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पुनर सिंह मनलोई भी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। काफी गंभीर शिकायत कांग्रेस नेता ने ही सुरेश चंदेल इनका नाम है, जिन्होंने शिकायत की है सीएम हेल्पलाइन पर। फरीद शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर है। फरीद, क्या जानकारी, किस तरह की शिकायत की गई है सुरेश चंदेल की ओर से? जी मैंने ये बताना चाहूँ की सुरेश चंदेल ने जो अरुण यादव के साथ नजदीकी मनाए जाते हैं उसी सूत्र की शिकायत की गई, जहाँ पे खुद अरुण यादव उसमें डायरेक्टर के वहाँ के प्रबंधक और प्रबंध संचालक के लिए के विरुद्ध में शिकायत की गई, जिसमें ईओडब्ल्यू की जांच की मांग की गई। हालांकि इस मामले में जब हमारे संचालक से बात हुई है, जो प्रबंध संचालक है एस राय से बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है की यहाँ के कुछ रोड निर्माण को लेकर जो निविदा निकले थी उसको लेकर उनकी जो नाराजगी है उसके चलते इस तरह की शिकायत की गई। यहाँ पर किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन मुद्दे को कहना की जो बीजेपी गठन की काश में नजर आती है जो इस तरह पहले भी आरोप लगे कि चार साल हो गए हैं या फिर चुनाव नहीं किए जा रहे हैं, उसको कोर्ट में स्टे ले गए, उसको काफी तौर पर बीजेपी बना सकती है। क्योंकि जो कांग्रेस का एक आपसी मामला जहां पर नजदीक होने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता के द्वारा इस तरह की शिकायत की गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए फरीद आपका धन्यवाद। तो फरीद शेख हमारे संवाददाता बता रहे किस तरह से अपनी ही पार्टी के नेता ने, अपनी ही पार्टी के आला नेताओं जो इस मिल से जुड़े हुए हैं, उस मिल की शिकायत की है, सूत मिल प्रबंधन की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की है कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने और ईओडब्ल्यू लोकायुक्त की जांच की मांग की है। आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव इस सूत मिल के डायरेक्टर हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बोंदर सिंह मनलोई वर्तमान अध्यक्ष है इस सूत मिल के।